आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगाधार पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। झालावाड़ जिला एसपी ऋचा तोमर के निर्देशानुसार जिला अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक चिरंजी लाल मीना के निर्देशन व वृत्ताधिकारी जयप्रकाश अटल के निकटतम सुपरविजन में गंगाधार थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में गश्त दौरान एक पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस के साथ जेताखेड़ी रोड के पास सरकारी गर्ल्स स्कूल खेल मैदान से अभियुक्त युवराज सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत 19 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त कर गहनता से अनुसंधान शुरू किया है। इस दौरान कार्यवाही में थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी व एएसआई मगनलाल, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार, विनोद कुमार, भीकम सिंह, रघुवीर सिंह शामिल रहे। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। कल दिनांक को हमने हमारे आशुतोष अधिकारी की सूचना पर युवराज सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत को मैं हथियार एक पिस्टल दो जिंदा कारतूस की गिरफ्तार किया है। आज उसका पीसी रिमांड प्राप्त करके और गेंद्र से अनुसंधान किया जा रहा है कि वो हथियार कहाँ से लेकर आया था और कहाँ देना था। सर, मार्च 2024 का प्रकरण दर्ज है जब इसके द्वारा फाइलिंग की गई थी और उसका अनुसंधान शुरू करके माननीय न्यायालय में चलान पेश किया जा चुका है। ठीक सर।